मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे पावर मिल 2021 के अंदर मॉडल चैम्फर। चैम्फर कैसे लगानी है हमारे को, तो वो टूल पाथ देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ के अंदर ऑप्शन होती है चैम्फर मिलिंग, ठीक है। तो चैम्फर मिलिंग हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास मॉडल में चैम्फर लगी हो, अभी हमारे को इस कॉर्नर पर चैम्फर लगानी है और इस कॉर्नर पर चैम्फर लगानी है, ठीक है, क्योंकि सारे ऊपर टॉप वाले कॉर्नर्स के ऊपर हमारे को चैम्फर लगानी है। तो स्टेप बाई स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे को करनी पड़ेंगी। अब हमारे मॉडल में चैम्फर नहीं लगी हुई, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक बनाएंगे सबसे पहले तो वो ट्रायंगल्स वाला और इसी पार्ट को दोबारा पिक कर लेंगे। इससे हमारे को फ़ायदा क्या हुआ, अब हमारा जो ब्लॉक है और जो हमारा पार्ट है वो एक जैसा बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, मतलब हमारे को, हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक नहीं लिया, हमारा जैसा मॉडल बन गया है वैसा ही होगा ना, तभी तो चैम्फर लगेगी। तो असली में भी हमारा लगाएंगे चैम्फर, तो यह पहले रफिंग हो चुका होगा और फिर उसके कॉर्नर पे हमारे को चैम्फर लगाना, एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं मॉडल को हाइड कर रहा हूँ, तो ये देखो ये मेरा ब्लॉक भी उसी शेप का है, ठीक है। तो हमने करना क्या, हमारे को एक अपने ब्लॉक हमने दे दिया, एक हमारे को टूल क्रिएट करना है। अब इसमें चैम्फर टूल नहीं होता पावर मिल में, तो हम ये ड्रिल वाले में ही एंगल दे सकते हैं। तो 10 mm का टूल लगा दिया, 45 degree एंगल दे दिया, तो ये चैम्फर टूल वाली शेप मिल जाएगी हमारे को, ठीक है। जितने का भी टूल चाहिए हम 10 का 12 का हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे को होल्डर चाहिए तो होल्डर भी दे सकते हैं। ये हमारा टूल आ गया, ठीक है। अब सेकंड चीज हमारे को क्या करनी है, सेकंड चीज हमने ब्लॉक भी दे दिया, टूल भी दे दिया, अब हमारे को चाहिए एक पैटर्न कहाँ पे चलाना है। तो 2D चैम्फर के लिए हमारे को पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, क्रिएट पैटर्न, तो एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इसमें ऑप्शन है कर्व एडिटर की, कर्व एडिटर में हमारे पास है कॉम्पोजिट कर्व, तो ये कर्व हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, ठीक है। इनको बाद में देखते हैं, पहले ये इन दोनों के बीच में लगाते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बाद में दोनों को लगाते हैं और यहाँ पे आउटर में भी बाद में लगाते हैं। पहले एक बार ये चैम्फर टूल पाथ चलना कैसे वो देखते हैं, ओके कर दिए। तो अब मेरे पैटर्न भी क्रिएट हो गए, यानी कि जो जो हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की वो सारी हमारी हो गई। अब हमारे को क्या करना है, टूल पाथ लेना है, कर्व मशीनिंग के अंदर चैम्फर मिली, जैसे ही मैं चैम्फर मिलिंग में जाऊंगा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जेड की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जिधर से जेड होगा उसी डायरेक्शन से टूल आएगा। और यहाँ पे हमने पैटर्न बना रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोजीशन है, तो पोजीशन में हमने इसको बोला क्योंकि हमारे पास चैम्फर यहाँ पे लगी नहीं हुई, तो इसलिए हमने ये कॉर्नर वाली सेलेक्ट कर। अगर लगी होती तो हमने पैटर्न कहाँ बनाया, ऊपर वाली साइड बनाया या नीचे वाली साइड बनाया, तो वो हमारे को डिसाइड करना पड़ता। तो हमने कहा जी ये कॉर्नर वाली चैम्फर लगा। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटरेक्टिव मॉडिफाई मशीनेबल सेक्शन, तो मशीनेबल सेक्शन मेरा कहाँ पे है, तो उसको बताना पड़ेगा कि अंदर वाली साइड है या बाहर वाली साइड है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये बाहर चला जाएगा, अंदर चाहिए तो फिर टूल मेरा किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो टूल हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, इसको ओके कर देते हैं। अब चैम्फर लगानी कितने की है, किस साइज़ की चैम्फर लगानी है, तो वो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे को 1 mm की चैम्फर लगानी है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करते हैं फिर ऑप्शंस देखते हैं और कौन कौन सी चेंज की जा सकती है। कैलकुलेट करो, ये देखो हमारे पास टूल पाथ क्रिएट हो गया। अगर हम इसका कलर चेंज कर दें तो ज़्यादा इजीली नज़र आएगा, ठीक है। अगर हमारे को इसकी सिमुलेशन देखनी है तो हम इस पर टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट,
सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट में यहाँ पे इसको ऑन कर दो। तो अब देखो ये क्योंकि हमने ब्लॉक जो है वैसा ही लिया था जैसा हमारा पार्ट है, तो ये हमारे को वैसे ही नज़र आ रहा है। यहाँ से रेनबो शेडिंग कर देंगे ताकि हमारे को दिखे कि कट लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ और प्ले का बटन। इसने दोनों कॉर्नर्स के ऊपर चैम्फर लगा। एग्जिट करेंगे, यस करेंगे, तो ये चैम्फर हमारी लग गई है। अब हमारे को इसकी सेटिंग में जाना है। तो हमारे को एक दो चीज़ें और चेंज करनी पड़ेंगी कि हमारे को एंगल डिफाइन कैसे करनी है। अभी तो हमने चैम्फर लगाई 45 डिग्री, तो अगर मुझे चेंज कर दूं मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपका सारी ऑप्शन है। पर इससे पहले हम दो एक दो चीज़ें और देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेफ होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लॉक सेंटर सेफ होता है, इसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट पॉइंट सेफ। रैपिड मूव को कैलकुलेट कर दो ताकि ये ज़्यादा हाइट जाए ना। और यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है, यहाँ पे थिकनेस जीरो कर देनी है कैलकुलेट कर। अब क्योंकि हमने जो ब्लॉक लिया है और जो हमारा पार्ट है 70 वाली दी, जो हमारी पार्ट है और जो ब्लॉक है वो दोनों सेम है, इस वजह से जब ये चैम्फर लगेगी तो वो ब्लॉक और पार्ट को टच करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन कर देता हूँ, कोलिजन चेकिंग ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये कैलकुलेट करेगा तो ये टूल पाथ नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि वो कहता है कि हमारा गॉजेज है और कोलाइड हो रहा है मॉडल के साथ। तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मैसेज से। तो अभी देखो टूल पाथ क्रिएट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल गॉज चेक को बंद रखेंगे, क्योंकि हमारा कोलिजन तो होना ही है, हमने बनाया ही वैसा। तो टूल पाथ हमने क्रिएट कर दिया, चैम्फर मिलिंग में आ गए। अगर हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हैं, कैलकुलेट, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो इसलिए ये दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। सिमुलेशन ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 mm चैम्फर जो है लग। अगर मुझे चेंज करना है कोई एंगल ये चैम्फर का एंगल, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से चैम्फर में एंगल चेंज कर दो, 45 डिग्री की बजाय थीटा कर दो, तो ये एंगल भी आने लगता है। ठीक, हम इसको कर देते 30। तो देखो डेप्थ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। मैं विड्थ कर देता हूँ 2 की, मतलब 2 की चैम्फर लगानी है, 30 डिग्री की लगानी है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो चैम्फर लगेगी वो 2 mm की लगेगी और 30 डिग्री पे लगेगी। तो यानी हम चैम्फर का जो एंगल है वो कभी भी चेंज कर सकते। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे। कई बार हमारे को क्या होता है, डिस्टेंस दिया होता है, तो डिस्टेंस भी इसी के बीच में आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस भर दूँ चैम्फर ना भर के, मैंने कहा जी एक साइड 3 की 2 की, एक साइड 4 की, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं विड्थ एंड डेप्थ। तो विड्थ दे दो, डेप्थ दे दो, तो एंगल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो एक साइड 2 की, एक साइड 4 की। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। यानी हम तीनों तरीकों से चैम्फर लगा सकते हैं।
चाहे एंगल चेंज करना है, चाहे डिस्टेंस चेंज करना है, चाहे अब हम एक और काम कर सकते हैं, इसी टूल बात को कॉपी कर लेते हैं। एडिट में जाओ, कॉपी टूल बात, तो उसकी एक और कॉपी बन गई। क्या करेंगे, एक पैटर्न भी और क्रिएट कर लेते हैं। और ये कर्व सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर्व भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये वाली कर्व भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली कर्व गलत हो गई, इसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को नीचे नहीं जाना, हमारे को जाना है इस साइड। अब फास्ट फॉरवर्ड, तो हमने तीन पैटर्न इकट्ठे ही बना लिए। और इसकी सेटिंग में जाके हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हमने कॉपी किया हुआ है, बाकी हमारे को सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ब्लॉक की ना किसी टूल की, क्योंकि उसकी कॉपी बनी हुई है। यहाँ से हमारे को सिर्फ पैटर्न चेंज करना है और पोजीशन चेंज करनी है, ये अंदर वाली साइड की बजाय, ये हमने तभी अलग से बनाए क्योंकि इनके डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो डायरेक्शन से डिसाइड होगा कि किस साइड चलना है, कैलकुलेट कर दो। टूल पाथ क्रिएट हो गए, तो अब हमारे अंदर वाला टूल पाथ भी क्रिएट हो गया, बाहर वाला टूल पाथ भी। तो पहले एक नंबर को चलाए थे, और फिर यहाँ से दो नंबर कर दो, और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया मेरे को लग रहा है, तो इसको करो एग्जिट। सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ से ये सिंपल चैम्फर ही ले लेते हैं, दो हज़ार में दोबारा से सिमुलेट कर देंगे। थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, स्टॉक का भी पंगा हो सकता है, स्टॉक बाहर, क्योंकि टूल ले चलना है बाहर वाली साइड, तो जब टूल बाहर चलेगा तो यहाँ पे उसको स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं ना मटेरियल, तो इस वजह से यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे नीचे या तो हमारे को टूल बड़ा करना पड़ेगा या वहाँ पे स्टॉक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेटिंग में जाएंगे। अब अगर हमारे को ब्लॉक बनाना है ये बाउंड्री वाली कर, तो यहाँ पर फेस पे क्लिक करेंगे, जब ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल्स की जगह यहाँ बॉक्स कर दो, यहाँ मॉडल की जगह मॉडल है ना, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, टूल पाथ पैटर्न भी कर सकते हैं, फीचर भी कर सकते हैं, बाउंड्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं, यूज़र डिफाइन, यूज़र डिफाइन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट करो, मॉडल में गए और ये फेस, ठीक है, तो ये बाउंड्री बन गई। तो अब जब मैं ब्लॉक क्रिएट करूँगा तो मैं एज ए बाउंड्री क्रिएट कर सकता, Z कितना देना है वो उसको बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा Z मुझे चाहिए मान लो 50,
50 बन जाएगा, थोड़ा सा छोट 51 कर देते हैं। ठीक है, तो यानी हम ब्लॉक बाउंड्री से भी बना सकते हैं, हम ब्लॉक मॉडल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैम्फर का जो है टूल पाथ है वो क्रिएट हो गया। सिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट कर सकते हैं अगर, ठीक है। वीडियो पर लाइक करना है, सबके साथ वीडियो शेयर करना है।